हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट प्रिपरेशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक को। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, वो खत्म हो चुका है। और इस सेशन में, इंग्लिश के सेशन में, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेकंड टॉपिक, जिसका नेम है टीचिंग एड्स। अवर सेकंड टॉपिक इज टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें तो टीचिंग एड्स क्या होती हैं, हम वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस क्या है और टाइप्स क्या क्या हैं टीचिंग एड्स की। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का जो टॉपिक है वो पूरा हमारा कम्प्लीट हो चुका है। इंग्लिश का सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पीएस सेट और सी टेट दोनों के लिए सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने अभी तक हमारा सिलेबस या फिर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, उसको नहीं देखा है, नहीं क्लियर किया, तो आपको जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एड्स। आज हम पढ़ेंगे कि टीचिंग एड्स क्या होता है, जो टीचिंग एड्स है उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, और टाइप्स कौन कौन सी है टीचिंग एड्स के लिए। क्लियर? तो इजिएस्ट वे में करेंगे, सबसे अच्छे से, मतलब सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वंस अगेन मैं कहना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस है इस टॉपिक से बहुत देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वन इज इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग एड क्या होता है। टीचिंग एड की अगर हम बात करें तो जब टीचिंग की जाती है तो उस टाइम किसी न किसी मटेरियल का यूज किया जाता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। क्लियर? तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिसका यूज करके टीचिंग को इजी और इफेक्टिव बनाया जाता है, जो टीचिंग की जाती है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में क्या होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के साथ उनको अच्छे से उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए जाते हैं। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि वो जो स्मार्ट बोर्ड है वो क्या है, टीचिंग एड है, जिसकी मदद से टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा रहा है, इजी बनाया जा रहा है, और जो बच्चे हैं वो इजीली कैच कर पा रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझना है, ये सब बातें। ठीक है? मतलब वो मटेरियल जिसको यूज करके टीचिंग की जाती है, इफेक्टिव बनाई जाती है, टीचिंग इजी बनाई जाती है, इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, तो वो मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स कहते हैं। अब अगर बात करें कि टीचिंग एड्स को बच्चे कैसे यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं टीचिंग एड्स को अपने सेंस ऑर्गन को यूज करके। उनके सेंस ऑर्गन्स हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, आई, हेयर मतलब सुनना, फील करना, टेस्ट और स्मेल। तो ये जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, बच्चे इन फाइव सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं और टीचिंग एड्स से वो सीखते हैं। मतलब टीचिंग एड्स जब पढ़ाया जाता है तो जैसे वो देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं तो वो देखेंगे, उसको देख के सीखेंगे, टीचर क्या बोल रहा है पढ़ाते समय उसको सुनेंगे, सुन के सीखेंगे। क्लियर? तो ये सब सेंस ऑर्गन्स, फाइव सेंस ऑर्गन्स को यूज करके वो सीखते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग एड्स की। अब फर्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, फर्स्ट वन इज इफेक्टिव टीचिंग। देखिए टीचिंग एड्स को यूज करने से क्या होता है, हमारी जो टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है। जैसे बोल के कहानी सुनाने से अच्छा जब वो स्मार्ट बोर्ड पे उनको एज अ स्टोरी रिप्रेजेंट की जाती है, तो कॉमन सी बात है कि जो स्टोरी है, जो लर्निंग है, वो बहुत इफेक्टिव होती है। और देख के हम सबको पता है कि जो चीज देखी जाती है वो माइंड में ज्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाती है, मतलब बच्चे जल्दी सीखते हैं देख के, सुनने या पढ़ने के कंपेरिजन। तो इससे हम कह सकते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो भी अब इम्प्रूव होता है, रिजल्ट ओरियंट होता है। क्लियर? तो रिजल्ट इम्प्रूव होता है उनका, क्योंकि जो चीजें वो देखते हैं वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि टीचिंग एड्स को यूज करके हम हमारी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्लियर? सेकेंड अगर हम इसकी बात करें, सेकेंड हम कह सकते हैं ग्रामर टीचिंग, जो हमारी ग्रामर टीचिंग होती है वो इजी हो जाती है।
ग्रामर टीचिंग इजी हो जाती है। क्लियर। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज हमको देखने को मिलती हैं, प्रोविजन ऑफ वैरायटी। इसमें बहुत सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है कि टीचिंग एड्स में ऑब्वियस बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं? जैसे ऑडियो टीचिंग एड्स होती हैं, विजुअल टीचिंग एड्स होती हैं, वीडियो सॉरी जिसको हम देख पाते हैं उसको विजुअल भी बोला जाता है, वीडियो होती हैं, विजुअल अगर हम कहें। क्लियर। ग्राफ होते हैं, ग्राफ एनिमेशन में बच्चों को सिखाया जाता है, एनिमेशन की कुछ पिक्चर्स दिखा के या कुछ मूवीज दिखा के। तो ये कुछ वैरायटीज होती हैं जो कि टीचिंग एड्स की होती हैं। मतलब इन सब चीजों को हमें जब लगता है कि कौन सी वैरायटी हमें ज्यादा यूजफुल लगती है उसका हम यूज करते हैं, टीचिंग करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से बच्चे सीखते हैं। क्लियर। जैसे एनिमेशन, छोटे बच्चों के लिए हम एनिमेशन का ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि उनको एनिमेशन बहुत पसंद होते हैं। ग्राफ्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअल वीडियोस के साथ हम पढ़ा सकते हैं, ऑडियो। क्लियर। तो ये कुछ वैरायटीज होती हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटीज हमको टीचिंग एड्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ इंग्लिश, क्रिएशन ऑफ इंग्लिश लाइक एटमोसफियर। अब इसका क्या मतलब है कि क्रिएशन ऑफ इंग्लिश लाइक एटमोसफियर? मतलब अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही वो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड की एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पे अगर इंग्लिश सिखाई जा रही है तो इंग्लिश में बात, मतलब बिल्कुल वैसा ही जो एटमोसफियर है हमारा, जो आसपास का माहौल है बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हो जाता है। अगर माहौल ही बिल्कुल वैसा क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियस है जो बच्चा है उसकी जो सीखने की इंटरेस्ट होगा वो बढ़ जाएगा और वो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्क्रीट सिचुएशन, बिल्कुल कॉन्क्रीट का मतलब हम कह सकते हैं कि रियल। क्लियर। बिल्कुल रियल सा एक माहौल तैयार हो जाता है, रियलिटी सी महसूस होती है। मतलब कॉन्क्रीट सिचुएशन, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि क्रिएशन ऑफ इंग्लिश लाइक एटमोसफियर, कि बिल्कुल वैसा ही माहौल तैयार हो जाता है, उसे से रिलेटेड है कि कॉन्क्रीट सिचुएशन एक रियल सा माहौल है, रियल सिचुएशन है वो तैयार हो जाती है एक्टिविटीज को करवाने से, जहाँ टीचिंग एड्स को इस तरह यूज करने से। मतलब टीचिंग एड्स को यूज करना भी बहुत एक कला है कि अच्छे से उनको यूज किया जाए, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिडक्शन ऑफ लर्नर ऑन मदर टंग, मतलब जो लर्नर है जो सीख रहा है वो हमें देखने को मिलता है कि अगर वो सेकेंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लर्न कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है इंग्लिश के लिए, सीख रहा है उसको, तो ज्यादातर क्या होता है मोस्टली कि अपनी जो मदर टंग होती है उस पर डिपेंडेंट रहा जाता है। तो अगर हमें टीचिंग एड्स का यूज करेंगे तो जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम होने लगेगी, क्योंकि अगर बातें ही इंग्लिश में हो रही है तो मदर टंग पे जो थोड़ा ज्यादा निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, मतलब सीखा अच्छे से जाएगा। अगर हम बात करें कि रिडक्शन ऑफ टीचर वर्कलोड, अब ये तो क्लियर है कि अगर एक्टिविटीज के साथ सीखा जाएगा तो जो टीचर है उसका वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग बन जाती है जो टीचिंग होती है, इंटरेस्ट प्लस मोटिवेशन, बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। क्लियर। अगर आप टीचिंग एड्स को यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो मोटिवेट भी होगा, तो इंटरेस्ट भी बच्चों का जागने लगता है और जो मोटिवेशन है उनमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी टीचिंग एड्स की। तो आगे डिस्कस करते हैं कि टाइप कौन कौन से होती हैं टीचिंग एड्स की। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो टीचिंग एड्स हैं उसकी टाइप कौन कौन सी होती है। तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं। क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है विजुअल, सेकंड जो टाइप होती है
वो होती है ऑडियो, एंड जो थर्ड टाइप होती है दैट इज ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो विजुअल का मतलब वो सारा मटेरियल, जब वो सारी एड्स जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम ओनली देख सकते हैं, उसमें से कोई आवाज़ या कुछ नहीं, ओनली सिर्फ उसको देखा जा सकता है। ऑडियो की अगर हम बात करें जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें कोई भी विजुअलिटी या फिर वीडियो या फिर नहीं होता, उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। ऑडियो वीडियो जिसमें ये दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, दैट इज नोन एज ऑडियो वीडियो, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये तीन टाइप की जो हम कह सकते हैं कि एड्स होती हैं। अगर हम बात करें कि ये तीनों जो वर्ड हैं ये कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और जो ऑडियो है इसका मतलब है टू लिसन, ठीक है, और जो वीडियो है इसका मतलब है टू सी, और जो ऑडियो वीडियो है इसका मतलब है, सॉरी, जो नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें फोन, तो फोन का मतलब होता है साउंड। चलिए ये तो आउट ऑफ टॉपिक आ गया, बट आपको पता होना चाहिए कि जो फोन है उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो उसका मतलब क्या है, साउंड है। और विजुअल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है टू सी, मतलब देखना, और ऑडियो का मतलब होता है टू लिसन, मतलब सुनना। और ऑडियो वीडियो तो हम सबको पता है कि देखना और सुनना दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो शब्द है, तीनों शब्द, ये कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज के ये पार्ट है। क्लियर? तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं विजुअल एड्स को। दिस इज अवर फर्स्ट टाइप। जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है विजुअल टीचिंग एड्स। तो विजुअल टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ दिखाई देता है, ओनली हम देख सकते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स कहें तो कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सबसे पहली जो हमारे माइंड में आती है वो है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, उसमें से हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। आवाज हमें सुनाई देती है जब टीचर बोलता है और हमें समझाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नोटबुक, आई एम राइटिंग। क्लियर? तो ये सिर्फ विजुअल है, इसको सिर्फ आप देख सकते हो। और जो पर जिस चीज पे आप स्टडी कर रहे हो, मोबाइल फोन, वो क्या होगा, उसमें आप देख भी पा रहे हो, उसमें आप सुन भी पा रहे हो, तो वो क्या है, ऑडियो विजुअल है। बट अगर इस नोटबुक की बात करें तो ये ओनली विजुअल है। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई भी बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, मतलब हर टाइप का जो बोर्ड है, क्लियर है कि वो ओनली दिखाई देता है, और वो क्या होती है, विजुअल टीचिंग एड होती है। और इनका यूज करके हम टीचिंग करते हैं, नो डाउट। अगर हम बात करें सॉफ्ट बोर्ड, बैनर्स होते हैं, उनको भी सिर्फ देखा जा सकता है। पोस्टर होते हैं, पोस्टर से भी सिर्फ हमें देख के उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर हम बात करें चार्ट, हम कह सकते हैं चार्ट को भी सिर्फ देखा जा सकता है। पिक्चर, पिक्चर्स को भी हम देख के उससे स्टडी, मतलब कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ पिक्चर्स को दिखा के हम बच्चों को स्टडी पढ़ा सकते हैं, टीचिंग करवा सकते हैं, तो पिक्चर्स। फ्लैश कार्ड्स होते हैं। क्लियर? तो इन द सिंपल वे जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ओनली देखा जा सकता है। ग्लोब की अगर हम बात करें तो ग्लोब में क्या होता है, मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज अ टीचिंग एड, बट इसमें से कोई आवाज नहीं आती, ओनली देखा जा सकता है। जो एटलस होती है, मतलब जो हमारी मैप की बुक होती है, एटलस, सॉरी, मैप की बुक होती है। क्लियर? स्लाइड्स होती हैं हमारी, जब हम कंप्यूटर पे स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो स्लाइड्स में से कोई हम साउंड अगर नहीं लगाते तो ओनली स्लाइड्स होती हैं। क्लियर? तो वो भी क्या होती हैं, विजुअल होती हैं। हमारा मॉडल अगर हम बात करें कि मॉडल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको एक पिक्चर पूरी रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओनली विजुअल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें भी कोई साउंड नहीं होता, वो भी क्या होती है, ओनली विजुअल होती है। क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इन एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, लास्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो होती है फ्लैनल बोर्ड। ये कौन सा बोर्ड होता है,
मतलब कुछ इस टाइप का बोर्ड होता है, क्लियर आपको पता ही होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स होती हैं विजुअल की, जिसमें सिर्फ देखा जा सकता है, और इनसे बहुत सारी और भी बहुत सारी एड्स होंगी। तो एड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो वीडियो में से। तो विजुअल हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। सेकेंड, अगर हम डिस्कस करें अंबानी सेकेंड टाइप को, विच इज ऑडियो, सेकेंड टाइप दिस इज ऑडियो, ऑडियो टीचिंग एड्स। अब ऑडियो टीचिंग एड्स होती हैं जो, वो कौन सी होती हैं? वो एड्स जिसमें ओनली सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, वो कौन सी एड्स होती हैं? ऑडियो एड्स होती हैं, मतलब इसमें पिक्चर नहीं होती, ओनली आवाज होती है। अगर हम बात करें द बेस्ट एग्जाम्पल इज रेडियो, और सबके माइंड में सबसे पहले एग्जाम्पल यही होगी कि रेडियो, रेडियो में क्या होती है? ओनली आवाज होती है, इसमें पिक्चर्स नहीं होती। सेकेंड, अगर हम बात करें स्पीकर, स्पीकर और हम कह सकते हैं कि जो हमारे हेडफोन्स होते हैं उसमें भी ओनली नॉइज होती है, मतलब आवाज होती है, सॉरी नॉइज इज अ गॉड रॉन्ग वर्ड। तो हेडफोन हम कह सकते हैं, ईयरफोन जिनको हम सिर्फ सुनने के लिए यूज करते हैं। और अगर हम बात करें पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मतलब जो पब्लिक में जो कह सकते हैं हम अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, क्लियर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मतलब जो पब्लिक में नॉट अनाउंसमेंट्स की जाती है, तो दैट इज ऑल्सो ओनली वॉइस। अनदर टाइप की अगर हम बात करें ग्रामोफोन, ग्रामोफोन आप सबको क्लियर होगा क्या होता है। ग्रामोफोन वो होता है जिसमें पहले बहुत पुराने जमाने में होता था, बहुत बड़ा, मतलब इसमें एक सीडी लगाकर उसमें से आवाज आती थी, क्लियर, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे सीडी होती थी, तो यहाँ पे ग्रामोफोन अगर हम कह सकते कि आवाज आती थी। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ लाउड स्पीकर इसका एग्जाम्पल होगा, लाउड स्पीकर। और वॉकी टॉकी हम कह सकते हैं, उसमें भी ओनली आवाज होती है, उसका हम पिक्चर्स उसमें नहीं रिप्रेजेंट की जाती। और वॉकी टॉकी हम देख चुके हैं कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। टेप रिकॉर्डर हम कह सकते हैं, टेप रिकॉर्डर मतलब ये जो एग्जांपल्स होती हैं ये सब किसकी हैं? ओनली ऑडियो की, जिसमें पिक्चर्स नहीं होती, सिर्फ आवाज होती है। और भी जो को अगर कोई एग्जांपल आपके माइंड में है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑडियो की, और पीछे कुछ एग्जांपल्स के थे हमने विजुअल की, क्लियर। तो जब ऑडियो और विजुअल दोनों हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, मतलब आवाज भी होती है और पिक्चर्स भी होती है, तो वो हमारी थर्ड टाइप बन जाती है टीचिंग एड्स की, जिसको हम कहते हैं ऑडियो वीडियो टीचिंग एड, क्लियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। थर्ड, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड। तो ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स कौन सी होती हैं? ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें, जिसमें आवाज भी हो और पिक्चर्स भी हो, टेलीविजन, टेलीविजन में हमें आवाज और पिक्चर्स दोनों ही क्लियर होते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें एलसीडी, जो कि एक टाइप है टेलीविजन का, मतलब एलसीडी का अगर फुल फॉर्म डिस्कस करें तो वो क्या होता है? लिक्विड कैथोड, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्लियर। तो जो एलसीडी है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जो सेकेंड टाइप है एलसीडी, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें विच इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थर्ड, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल कौन सा होता है, दैट इज एलईडी। पहले टेलीविजन होते थे, फिर एलसीडीज आ गए, अब और भी ज्यादा, तो एलईडी हमें जो नॉर्मली देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम देखें लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, क्लियर। तो लाइट इमिटिंग डायोड की अगर हम बात करें, दिस इज द ऑल्सो और टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो, मतलब जिसमें हमें पिक्चर्स भी देखने को मिलती हैं और आवाज भी सुनने को मिलती है, क्लियर।
नेक्स्ट बात करें अगर हम, दिस इज, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, विच इज सीआरटी। सीआरटी का मतलब क्या है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ये भी एग्जांपल है किसका, ऑडियो और विजुअल, जिसमें आवाज और पिक्चर्स दोनों होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम करें थिएटर, तो जिसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि थिएटर क्या है। थिएटर में भी दोनों हमें ऑडियो और विजुअल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर होता है जिससे हम हमारी जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस को अटेंड कराया जाता है। तो वो किसके हेल्प से होता है, प्रोजेक्टर की हेल्प से। जो प्रोजेक्टर होता है वो भी ऑडियो विजुअल के एक टाइप है। सीडी की अगर हम बात करें, बहुत पहले जो टाइम था, आजकल तो लैपटॉप्स हैं, बट सीडी तो यूज होती होगी मे बी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी कॉम्पैक्ट डिस्क है। आजकल इसका यूज बहुत कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीडीसी, वीडीसी मतलब वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट एग्जांपल इज डीवीडी। डीवीडी पहले यूज की जाती थी, आजकल तो लैपटॉप्स आ गए, वही बात कंप्यूटर्स आ गए। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जांपल। इस टाइम भी आप मोबाइल फोन पे ही स्टडी कर रहे हो, तो मोबाइल फोन एक क्या होता है, ऑडियो विजुअल होता है, जिसमें से आपको आवाज और पिक्चर दोनों ही सुनाई दे रही है। मोबाइल फोन कह सकते हैं हम, स्मार्टफोन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टैबलेट होता है, ये भी आपको क्लियर होगा, लैपटॉप्स होते हैं और कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं, ऑडियो विजुअल की हैं, मतलब इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही अवेलेबल होती हैं। आज जो हमने इसके टाइप्स हैं वो कंप्लीट की हैं। पहले हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या क्लियर किया, और ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें जो फुल फॉर्म्स मैंने लिखवाई हैं तो उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में, ज्यादातर तो नहीं बट क्वेश्चंस हमें जो फुल फॉर्म के साथ रिलेटेड हैं वो देखने को मिले हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म्स भी हम करेंगे साथ साथ। तो आज जो फुल फॉर्म्स की है उनको अलग से जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आज पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक किए हैं। सो फर्स्ट वन हमने देखा कि टीचिंग एड्स क्या होता है, टीचिंग एड के बारे में डिस्कस किया कि वो मटेरियल जिसकी हेल्प से टीचिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। तो टीचिंग एड्स को जो बच्चे हैं वो कैसे मतलब यूज करते हैं, तो वो अपनी सेंस ऑर्गन्स को यूज करके इनसे सीखते हैं, मतलब देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, फील करके सीखते हैं, टेस्ट करके या स्मेल करके, क्लियर, अपने फाइव सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग एड्स की, तो टीचिंग एड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इफेक्टिव होती है लर्निंग, मतलब जो लर्निंग है उसे इफेक्टिव बनाती है टीचिंग एड्स, उससे हमारा जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता है। ग्रामर इजी हो जाती है, ग्रामर पढ़ानी इजी हो जाती है। इसमें जो वैरायटी है वो भी बहुत सारी देखने को मिलती है, मतलब ऑडियो वीडियो विजुअल ग्राफ, बहुत सारी वैरायटीज हमें इसमें देखने को मिलती है। जैसे अभी हमने टाइप्स भी की, तो टाइप्स में भी हमने कितना कुछ नोट किया, तो एज ए एग्जाम्पल्स तो वैरायटीज में बहुत होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ इंग्लिश एटमोसफेयर, मतलब कुछ ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट कर देता है बिल्कुल इंग्लिश के जैसा माहौल, जैसे अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल माहौल है जो क्रिएट हो जाता है, रियल सिचुएशन, कंक्रीट सिचुएशन तैयार हो जाती है। रिडक्शन ऑफ लर्नर ऑन मदर टंग, मतलब जब लर्नर डिपेंड करता है अपने मदर टंग पे ऊपर, तो वो चीज थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, खत्म नहीं कह सकते पर कम जरूर हो जाती है मदर टंग के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ टीचिंग वर्कलोड, जो टीचर है उसका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होता है, और इससे इंटरेस्टिंग बनती है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, जब कोई काम करने में उनको मजा आता है तो इंटरेस्टिंग बन जाती है, और इसे और करना चाहते हैं तो मोटिवेशन भी उनको मिलता है। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें तो तीन टाइप्स होती हैं टीचिंग एड्स की, जो होती हैं विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल। विजुअल की अगर हम बात करें तो ये तीनों, पहले बात तो ये तीनों शब्द लिए गए हैं लैटिन लैंग्वेज से। तो विजुअल का मतलब होता है टू सी, मतलब देखना, विजुअल वो सारी एग्जांपल्स, वो सारी एड्स हम कह सकते हैं।
जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, जिसमें कोई आवाज नहीं होती, ऑडियो जिसमें सिर्फ सुना जा सकता है, जिसमें कोई पिक्चर नहीं होती, और इसका अगर हम मीनिंग देखें क्या होता है, तो वो होता है टू लिसन, मतलब सुनना, ऑडियो वीडियो जिसमें दोनों होते हैं, आवाज भी होती है और वीडियो भी होती है, ये। और हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड किया विच इज फोन, फोन का मतलब अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो वो क्या होता है, साउंड होता है। और फोन भी किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड किया विच इज फोन, फोन का मतलब होता है साउंड। जब हमने ट्रांसलेट किया फोन को, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, उसको जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब क्या है, साउंड। क्लियर, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमने जो सब फर्स्ट एग्जाम्पल देखी वो है विजुअल। विजुअल मतलब कौन कौन सी जो विजुअल है, एग्जाम्पल्स अगर देखी तो ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, एनी टाइप ऑफ बोर्ड, क्योंकि बोर्ड को हम सिर्फ देख सकते हैं। और इनके अलावा अगर हम देखें ग्रीन बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, जो बैनर होते हैं, क्लियर, बैनर्स के बाद हम पोस्टर कह सकते हैं, चार्ट, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स हम न्यूज़पेपर, ग्लोब, जो मैप की बुक्स होती हैं, ठीक है, स्लाइड्स, मॉडल हो गए जिसको हम बनाते हैं, हमने मॉडल के साथ हम रिप्रेजेंट करके बच्चों को टीचिंग करवाते हैं। पावर पॉइंट के अगर हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें आवाज नहीं होती, उसमें ऑडियो नहीं होता। जो बोर्ड होता है जैसे दिस टाइप ऑफ बोर्ड, क्लियर, तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल विजुअल होते हैं, इसमें कोई भी साउंड नहीं होता, ओनली विजुअल होते हैं, और ये टीचिंग एड्स के एक पार्ट है। ऑडियो टीचिंग की अगर हम बात करें, ऑडियो टीचिंग में रेडियो आ जाता है, स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन हम यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, तो ये सभी सिर्फ ऑडियो है, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन जो पहले बहुत यूज किया जाता था, आजकल तो ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। लाउड स्पीकर की अगर हम बात करें, वॉकी टॉकी हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ऑडियो टीचिंग एड्स की, मतलब PAS कह सकते हैं, कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां जो अनाउंसमेंट होती है। क्लियर, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स। ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स में क्या आता है, जैसे टेलीविजन हो गया, LCD, LED, तो इनकी जो फुल फॉर्म है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि उनको जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म्स को एक पूरा लेक्चर देंगे हम, एक दिन उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, CRT होता है, मतलब कैथोड रे ट्यूब, थिएटर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, प्रोजेक्टर होता है जिसपे हम स्मार्ट क्लासेस लगाते हैं, CD होती है, VCD होती है, क्लियर, DVD होती है, मोबाइल फोन्स जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, मतलब ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स की। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो टीचिंग एड्स है वो, उसमें हमने कौन कौन सी टाइप की हैं, मतलब टाइप्स की हैं, इंपॉर्टेंस की हैं। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं टीचिंग एड्स के, क्लियर, और आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने आपसे कहा था फॉर द नोट्स, कि आपको नोट्स भी साथ साथ में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप अब ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे हमारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस के PDFs हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको सेंड किए जा रहे हैं, ये स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।